हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे वास्तु चैनल में। मैं डॉक्टर नीतू शर्मा। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भी भूखंड को हम 81 वर्गों में बांटते हैं और प्रत्येक वर्ग में किसी न किसी देवी देवता का निवास होता है। जहां पर प्रथम वर्ग में भगवान शिव का निवास माना गया है, वहीं 45वें वर्ग में ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे दूसरे वर्ग के देवता की। जी हाँ, दूसरे वर्ग में प्रजन्य का निवास माना जाता है, जिन्हें गॉड ऑफ रेन भी कहा जाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, प्रजन्य का मतलब होता है बारिश के देवता, जो बारिश करते हैं, जो गुनगुनाते हैं, जो गरजते हैं और भरपूर वर्षा करते हैं। वैदिक साहित्य में भी प्रजन्य को आकाशीय बारिश के देवता के रूप में ही माना गया है। देखिए, 5वें मन्वंतर में प्रजन्य को सप्त ऋषियों में एक उच्च स्थान प्राप्त था। मन्वंतर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मन्वंतर वो पीरियड ऑफ टाइम है, एक खगोलीय अवधि है, जो मानवता के पिता की आयु है, उसके जनक की आयु है। प्रजन्य को 12 आदित्यों में से भी एक माना गया है और ये 12 आदित्य कश्यप ऋषि के संतान हैं, जो उनकी पत्नी अदिति से उत्पन्न माने गए हैं। विष्णु पुराण में प्रजन्य को कार्तिक मास का संरक्षक देवता माना गया है और वहीं हरिवंश पुराण में इनको ऋषि और गंधर्व की संज्ञा दी गई है। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन ही उनके जीवन का आधार है, लेकिन ये भोजन हमें मिलता है वर्षा से और जल से, और प्रजन्य को वर्षा और जल का ही देवता माना गया है। देखिए, प्रजन्य का वर्ग बहुत ही ताजगी भरा माना जाता है। ये ऐसा वर्ग है जो हर तरह के जीव जंतु पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करता है, और स्पेशली ये फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा, ग्रोथ और वृद्धि प्रदान करता है। प्रजन्य एक ऐसे देवता हैं जो दूसरे वर्ग में निवास करते हैं, जो पूरे आकाश को बादलों से भर देते हैं, फिर वर्षा होती है और वर्षा के फलस्वरूप धरती पर रहने वाले प्राणियों को एक नव जीवन मिलता है, पेड़ पौधों को नव जीवन मिलता है, वो खिलखिलाते हैं, उनमें रंग भर जाते हैं। देखिए, भूखंड के ये 81 वर्ग और उनमें निवास करने वाले ये सभी देवी देवता, इनका वास्तु में अपना एक विशेष महत्व है और इनकी एक विशेष जगह है। इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख संपत्ति, लक्ष्मी और वैभव आता है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे तीसरे वर्ग के देवता की, और तब तक देखते रहिए आप मेरा चैनल वास्तु विज्ञान और जुड़े रहिए मेरे वीडियोस।